दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में ये पंखा जो देख रहे हैं, अब इस पंखे को मैं अपनी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा बैटरी के साथ फिट करूंगा। इसके सारे के सारे कनेक्शन मैं आपको दोस्तों डिटेल में दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा बैटरी रखना सीख जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और अगर आपको बैटरी खत्म होने का डर है और आप अपनी गाड़ी में स्टे करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी गाड़ी को मिनी होम में बदल सकते हैं। उसके अंदर पंखा लाइट वगैरह का अरेंजमेंट आप एक्स्ट्रा बैटरी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह हम कनेक्शन करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपनी गाड़ी के दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में मेरी गाड़ी है, ये दोस्तों ईओन कार है। अब दोस्तों हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम इसके बोनट को खोल लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का बोनट खोलेंगे क्योंकि दोस्तों मेन कनेक्शन तो हमें बोनट से ही करने हैं। बोनट खोलने के लिए दोस्तों हम अंदर घुस चुके हैं, ये हमने बोनट को दोस्तों खोल दिया है। अब हम गाड़ी के कनेक्शंस को करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। बोनट दोस्तों हमने खोल लिया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का बोनट खोल दिया है। यहाँ दोस्तों आप बैटरी देख सकते हैं, बैटरी में दोस्तों ये माइनस का कनेक्शन है और दोस्तों ये प्लस का कनेक्शन है। कनेक्शन देने के लिए मैंने दो तार इस तरह दोस्तों यहाँ सर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैंने दो तार निकाल लिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से तार निकालने के लिए हमें एसी की जो ड्रॉअर होती है जहाँ पर हम अपने कागज़ वागज रखते हैं ईओन में, वहाँ से दोस्तों हद घुसेड़ के अब इस तार को डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये तार मैंने कैसे घुसेड़े हैं। दोस्तों इन तारों को घुसेड़ने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉअर होता है जहाँ पर हम कागज़ रखते हैं ईओन के लेफ्ट साइड में, इसको दोस्तों मैंने खोला। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको इस तरह करके और इस तरह करके दोस्तों बाहर निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना तार, दोस्तों ये दोनों तार हैं जो मैंने दोस्तों घुसेड़े हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह दोस्तों ये तार यहाँ घुसेड़े गए हैं, जिससे दोस्तों अब मैं इन तारों को अपनी गाड़ी के इंटरनल पार्ट में डाल दूंगा ताकि दोस्तों ये तार मुझे बाहर से ना दिखें। अब दोस्तों हम इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये दोस्तों तार मैंने यहाँ से लेके इस तरह दोस्तों डाल के दोस्तों यहाँ से नीचे से निकाल लिए थे, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरह नीचे से मैंने निकाल लिए। अब दोस्तों मैं ये जो आप दिख रहे हैं इन सब चीज़ों को खोल के, ये साइड में आप देखते हैं इसको खोल के दोस्तों मैं इन तारों को अंदर डाल लूँगा और दोस्तों सारे के सारे कनेक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगा। अब दोस्तों मैं अपनी गाड़ी में ऐसा जुगाड़ करने जा रहा हूँ कि मेरी एक गाड़ी में दो बैटरियाँ रहेंगी। एक बैटरी का प्रयोग दोस्तों मैं गाड़ी के इक्विपमेंट चलाने के लिए करूँगा, जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें। और दोस्तों दूसरी जो मैं अल्टरनेटिव बैटरी लगा रहा हूँ उसके माध्यम से मैं जो एडिशनली इसमें फ़ैन लगाऊंगा, बल्ब लगाऊंगा और जो भी दोस्तों मैं एडिशनली इसमें सामान लगाऊंगा उसके लिए दोस्तों मैं एक्स्ट्रा बैटरी लगा रहा हूँ। उस बैटरी का दोस्तों ये यूज़ होगा अगर मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ और मैं होटल स्टे नहीं करना चाह रहा तो दोस्तों मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही दोस्तों अपना फ़ैन वगैरह लगा के, लाइट वगैरह लगा के इसको दोस्तों मैं नहीं घर में बदल सकता हूँ इस माध्यम से। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे इन कनेक्शन को किस प्रकार करना है। इन कनेक्शन को करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बैटरी के प्लस से जो हमारी दूसरी बैटरी है उस बैटरी का प्लस जुड़ना चाहिए और इस बैटरी के माइनस से दूसरी बैटरी का माइनस जुड़ना चाहिए ताकि जो इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए गाड़ी का चार्जर यूज़ होता है वो दोनों की दोनों बैटरियों को इक्वली चार्ज करे ताकि हमारी दोनों बैटरियां जैसे जैसे कंज्यूम होती रहें वैसे वैसे दोस्तों चार्ज भी होती रहे। तो चलिए अब दोस्तों हम इस कनेक्शन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है तार मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, अब इन तारों को दोस्तों मैं वेरीफाई कर लूँगा प्लस और माइनस का कौन सा है ताकि दोस्तों मैं उसको कनेक्ट कर सकूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए दोस्तों मैं तारों को खींचूँगा और जो तार खींचेगा उससे दोस्तों मुझे पता लग जाएगा कि ये प्लस का था ये माइनस का है। अब दोस्तों मैंने इसमें गीठा लगा दी है
और दोस्तों मैंने इसको यहाँ टांग दिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों गीठा लगा के मैंने इसको टांग दिया है। अब दोस्तों दोनों तारों को मैं वन बाई वन खींचूँगा, जो तार दोस्तों खींचेगा इसका मतलब ये तार अगर खींचेगा इसका मतलब दोस्तों ये प्लस है, इस तरह दोस्तों मुझे पता लग जाएगा। अब दोस्तों मैं अंदर जा रहा हूँ, अब अंदर से दोस्तों मैंने इसको खींचना शुरू कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने खींचना शुरू कर दिया है, अब यह देख सकते हैं दोस्तों वो वाला तार खींच रहा है, इसका मतलब वो माइनस है। इसको दोस्तों मैंने गाड़ी में एक तरफ लगा दिया ताकि मुझे पता लग सके, अब इसको प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, अब हमें तार की पहचान हो चुकी है। तो दोस्तों अंदर से ये वाला तार खींचा, तो दोस्तों अब इसमें दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम इसको ऊपर से छीन लेंगे, और दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए मैं स्पेशल तरीके के दोस्तों वो लेके आया हूँ, इसमें जो नट बोल्ट होता है उस तरह का एक चीज़ है, उसका मुझे नाम तो नहीं पता है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। अब दोस्तों अपने इस तार को इस बैटरी से जोड़ने के लिए इस तरह के दोस्तों टूल्स आते हैं, इनका दोस्तों मुझे नाम तो नहीं पता है। इसमें क्या होता है, इस तार को दोस्तों कट करके इसमें दोस्तों यहाँ लगा के इसको दबा दिया जाता है, और दोस्तों इस नट को खोल के इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। इस तरह दोस्तों हमारी जो बैटरी के साथ एडिशनली कनेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसको दोस्तों वैसे तो ऐसे भी लगाया जा सकता है लेकिन दोस्तों स्पार्क का खतरा रहता है, इसलिए दोस्तों हमेशा पक्का काम करें और कभी भी कच्चा काम ना करें। साथ ही साथ दोस्तों ये जो वायर है दोस्तों 8mm की ये वायर है, हमेशा दोस्तों जब आप कार की वायरिंग का काम करते हैं 8mm की ही वायर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। और दोस्तों जो इसकी वायर होती है, कार की जो वायर होती है और दोस्तों हमारे घर में जो बिजली की वायर होती है, दोनों दोस्तों अलग होती हैं। तो दोस्तों अगर आप कार के काम में कोई वायर यूज़ करना चाहें दोस्तों वो स्पेशली ऑटोमोबाइल के लिए बनी हुई वायर होनी चाहिए। ये दोस्तों फिनोलेक्स की वायर है जो कि दोस्तों 60 रुपये मीटर आती है। अब दोस्तों हम अपने प्लास के माध्यम से इसको दोस्तों काट लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी मोटी दोस्तों वायर है, देखो कितने सारे इसमें तार हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्पेशल तरह की वायर होती है जो कि कार के लिए यूज़ होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोस्तों ये वायर होती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पे रखेंगे, और दोस्तों इसको हम बैंड कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह दोस्तों इसको करना है। इन वायर को दोस्तों हम इस तरह लपेट देते हैं ताकि इनकी ग्रिप आपस में बन जाए। ये दोस्तों हमने लपेट दिया, अब दोस्तों इसको हम ऐसे रखेंगे, इस तरह रख के हम इसको दोस्तों इस तरह लॉक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इन सब कामों को पहली बार कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों एक करने से ही आदमी सीखता है, एक बार कर लूँगा तो दोस्तों हमेशा के लिए सीख जाऊँगा। इस काम को दोस्तों अगर आप बाहर करवाएंगे तो दोस्तों आपको इसके लिए मिनिमम 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर वायरिंग में कुछ भी तरह की दिक्कत होगी तो दोस्तों आपको हर बार मैकेनिक के पास जाना होगा। दोस्तों इस तरह लगा के अब ये इन पत्तियों को मैंने दबा दिया है, सही दोस्तों यहाँ पे भी मैंने इसको दबा दिया है। ये दोस्तों दबा के बिल्कुल लॉक हो गई है, अब दोस्तों किसी भी स्थिति में निकलने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये एक तरीका है इसको परमानेंट सेट कर देने का, बस ये दोस्तों हो चुका है। अब दोस्तों हम इसको प्लस की जगह जोड़ देंगे, और हमने चूंकि इसको अलग करके रख लिया है इसलिए अब दोस्तों हमें पता है कि प्लस की वायर कौन सी है। अब दोस्तों इस तरह हमने इसको खोल लिया बैटरी को, दोस्तों बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने इस बैटरी के दोनों नट बोल्ट को खोल दिया है। बहुत ही हालत ख़राब हुई इसको खोलने में, कमर में भी दर्द होने लगा, लेकिन फाइनली खुल गए हैं। अब हमने प्लस में तो दोस्तों ये लगा ही दिया था, साथ में दोस्तों हमने इसमें टेप भी लगा दी है ताकि दोस्तों इस पार्क की कोई दिक्कत ना आए, इस तरह दोस्तों लगा दी है। इसी तरह दोस्तों हमने दूसरे वाले में भी दोस्तों ये रिंग लगा दिया था और उसको टाइट कर दिया था, इसमें भी दोस्तों हम टेप लगा देंगे ताकि इस बार कोई इशू ना आए। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें टेप भी लगा लेते हैं,
दोस्तों हमारे दोनों के दोनों प्लस और माइनस तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों प्लस को दोस्तों प्लस में और माइनस को दोस्तों माइनस में हम दोस्तों कनेक्ट कर देंगे। ये दोस्तों हमने तार इसमें लगा दिया है। इस तरह दोस्तों ये लग जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाला रिंग हमने इसमें लगा दिया इस तरह। और दोस्तों अब हम इसमें इस तरह ये रिंग लगा देंगे। और दोस्तों अब हम इसमें जो ये नट है इस नट को दोस्तों यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोस्तों स्पार्क इसलिए हुआ है क्योंकि ये तार मैंने लास्ट में काटा नहीं है, इसी कारण एक ही तार घूम के दूसरी तरफ आ गया है। अब इस तार को जो हम दूसरी बैटरी से कनेक्शन लेकर आ रहे हैं इसको दोस्तों अंडरग्राउंड करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दोस्तों अंडरग्राउंड करने के लिए हम दोस्तों इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए दोस्तों हम सिंपली इसको खींचेंगे। मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, दोस्तों आपको लाइव दिखा देते हैं हम कैसे कैसे वो दोस्तों होना है ये सब। ये दोस्तों आपको इस तरह खींच लेना है। अब ये इस तरह दोस्तों आपको खींच लेना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको खींच के निकाला इसके पीछे जितने भी तार थे दोस्तों ये दिख रहे हैं, जितने भी तार थे इसके नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह हम पूरा पीछे तक इसको खोल लेंगे और दोस्तों इस तार को अंडरग्राउंड कर देंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमने ये खोला था अब दोस्तों हम आगे की भी ये जो फ्लैप्स होती हैं इनको खोल लेंगे और ताकि हमारा तार हम क्लियर आगे निकाल सकें। सबसे पहले दोस्तों हम सीट को थोड़ा आगे की तरफ खींच लेंगे ताकि हमें जगह मिल जाए। हमने सीट आगे की तरफ खींच ली है। अब दोस्तों हम पीछे वाली सीट पर जाएंगे और पीछे की तरफ आके हम दोस्तों यहाँ से पहले ये वाला निकालेंगे कवर। इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें सीट भी उठानी पड़ेगी ये वाली। दोस्तों सीट को उठाने के लिए हम इसको इस तरह ऊपर की तरफ करेंगे। ये दोस्तों इस तरह सीट उठ जाती है पूरी उठा लेंगे। ये दोस्तों इस तरह पूरी की पूरी सीट उठ जाती है। सीट उठने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का दोस्तों यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। इसको दोस्तों हम खोल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप तार नीचे से निकलते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों हम नीचे वाले ये इस स्क्रू को खोल लेंगे। स्क्रू को खोल लेंगे। दोस्तों इसको हमने खोल लिया है यहाँ से। दोस्तों इनको उठाने के लिए हम इस तरह सिंपली दोस्तों इसको खींच लेंगे। दोस्तों हमने इसको खोल दिया है, देख सकते हैं दोस्तों सारे तार। दोस्तों इस हिस्से को भी खोल लेंगे। अब दोस्तों सेम वे हम इसको खींच के खोल लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों इसको मैं खींच रहा हूँ। दोस्तों सारा का सारा तामझाम अपने खींच खाच के खोल दिया है। आप देख सकते हैं सारी की सारी वायरिंग खुल के आ गई है। अब दोस्तों हम इन तारों को इनके बीच में से निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम ये जो यहाँ पर इस तरह के लगे हुए हैं तारों को बांधने के लिए इसको दोस्तों हम ढीला कर लेंगे और उनके बीच में दोस्तों हम इन तारों को डाल देंगे। ये डाला दोस्तों ये लॉक कर दिया। इस तरह दोस्तों हम डालते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप
यहाँ डाल दिया है और यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह दोस्तों हम पार करते चले जाएंगे इसको। दोस्तों इन तारों को हमने आर पार निकाल लिया है। अब दोस्तों ये तार हमारे कंटिन्यू डिग्गी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रकार हमने डिग्गी के अंदर ले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये तार दोस्तों हमारे घूमते घूमते यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ दोस्तों हम एक बार टेप लगा के इनको सेट करेंगे। इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पे अब टेप लगा दिया। आप देख सकते हैं ये दोस्तों टेप लग गई है। और दोस्तों इन तारों को हम जैसे ये तार पीछे की तरफ निकलते हुए जा रहे हैं इस तरह दोस्तों नीचे की तरफ से निकालेंगे और ये फिर सीधे डिग्गी में निकल आएंगे। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं एक बार इन तारों को इन तारों की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ मैं इन तारों को सीट के नीचे से निकाल रहा हूँ। ये दो तार हैं और दोस्तों सीट के नीचे से इन तारों की तरफ निकाल रहा हूँ। दोस्तों निकल तो चुके हैं हम। दोस्तों निकल गए हैं। अब हम डिग्गी में जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे। दोस्तों डिग्गी को हमने खोल लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है इस कवर के नीचे। दोस्तों उतार आ गए होंगे। अब इन सामान को हम हटा लेते हैं एक बार। दोस्तों सारा सामान हट चुका है। अब हम इसको हटा लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो हमारे तार थे ये तार दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। और दोस्तों इनको हम बाहर खींच लेंगे। ये दोस्तों पूरे हमारे बाहर खींच चुके हैं। अब दोस्तों हम बैटरी में इनके कनेक्शन बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये तार पूरे आ चुके हैं दोस्तों आर पार हो चुके हैं। अब दोस्तों बैटरी में कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। दोस्तों ये अब बैटरी में लगाया जाएगा कनेक्शन के लिए। एक को दोस्तों प्लस में एक को दोस्तों माइनस में लगाया जाएगा और दोस्तों तार को दोस्तों इसके माध्यम से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों ये जुगाड़ है दोस्तों नई वाली बैटरी में लगाने हैं। ये आप देख सकते हैं ये इस बैटरी का प्लस है तो दोस्तों उस बैटरी के प्लस को इस बैटरी के प्लस से कनेक्ट करना है और उस बैटरी के माइनस को इस बैटरी के माइनस से कनेक्ट करना है। इसमें दोस्तों इसके माध्यम से हम तार को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिए हैं। और दोस्तों तार को दोस्तों लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों कनेक्शन शुरू करते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बैटरी के प्लस और माइनस पर ये जो सिस्टम था ये दोस्तों अटैच कर दिया है। इसका मुझे नाम तो पता नहीं है लेकिन मैंने अटैच कर दिया है। अब मार्केट में इसको दिखा कर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों तार के एंड पे मैंने ये भी कनेक्ट कर दिया है दोनों तारों पे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों तार मेरे बिल्कुल तैयार हैं। और दोस्तों माइनस और प्लस की मार्किंग मैंने दोस्तों इस तरह की थी। चूँकि माइनस का तार है इसलिए मैंने इस पर डबल टेप लगाई थी ताकि मुझे पता लग जाए। अब दोस्तों मैं इसको माइनस में जोड़ दूँगा और दूसरे वाले को प्लस में जोड़ दूँगा। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ देते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी के प्लस का तार इस बैटरी के प्लस से जुड़ चुका है और उस बैटरी का माइनस का तार इस बैटरी के माइनस के साथ जुड़ चुका है। अब दोस्तों मैं इसमें अपने इक्विपमेंट्स को इस एडिशनल बैटरी से पावर देने के लिए ये दो अलग से तार लगाया हूँ जिसको दोस्तों मैं इसमें ही फिट कर दूंगा। एक को दोस्तों मैं जो इसमें रेड तार है उसको दोस्तों प्लस के साथ लगाऊंगा और दोस्तों जो बिना किसी रंग का तार है उसको दोस्तों माइनस के साथ लगाऊंगा ताकि मुझे पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लगा देते हैं और अपने सेट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं उस बैटरी का प्लस इस बैटरी के प्लस से जुड़ चुका है, इस बैटरी का माइनस उस बैटरी का माइनस जुड़ चुका है और दोस्तों ये मैंने जो एडिशनल
कनेक्शन लगाया वो दोस्तों ये हैं, जिसके लिए दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा बैटरी खरीदी है। अब दोस्तों इस एडिशनल बैटरी से हम अपना एडिशनल फैन, एडिशनल लाइट और जो भी हमारे एडिशनल गैजेट्स हैं वो चलाएंगे, ताकि हमारी मेन बैटरी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े और जब हमें जरूरत हो वो मिनटों में हमारी कार को स्टार्ट कर सके। दोस्तों अब हमने बैटरी में सारे के सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। ये दोस्तों जो मैंने बैटरी टू बैटरी तार का यूज़ किया है दोस्तों, ये 8 mm की तार थी और ये फिनोलेक्स की तार थी जो कि 60 रुपये मीटर आई थी। ये दोस्तों जो दूसरी तार है ये शायद 4 mm की तार थी, ये दोस्तों 25 रुपये मीटर आई थी। ये दोनों ही तार दोस्तों मैंने 10-10 मीटर ली थी, ताकि मैं जहाँ तक बढ़ाना चाहूँ इसको बढ़ा सकूँ। अब दोस्तों मैं इसको अपनी डिग्गी में रख दूँगा। पहले दोस्तों ये तार मैं यहीं पर इकट्ठा कर दूँगा, उसके ऊपर दोस्तों फिर मैं ये रख दूँगा और फिर इसके ऊपर दोस्तों बैटरी रख दूँगा। आपको मैं पूरी पूरी सेटिंग करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी को मैंने डिग्गी के अंदर रख दिया है। अब दोस्तों जो हमारे एडिशनल तार थे जिसके लिए दोस्तों मैंने सेटिंग करी है इन तारों को, ये दोस्तों बैटरी टू बैटरी तार आ गया है, इनको दोस्तों अब छेड़ना नहीं है। अब दोस्तों जो पावर का तार है जिसके थ्रू दोस्तों मैं अपना म्यूजिक सिस्टम, लाइट और दोस्तों फैन वगैरह चलाऊँगा, उस तार को भी दोस्तों मैं इस तार के बंडल के थ्रू दोस्तों बाहर निकालूँगा और दोस्तों अपनी सीट के पास तक इसको लेके जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये दोस्तों इसका दूसरा सिरा है, इसका दूसरा सिरा है दोस्तों, मैं इस यहाँ से दोस्तों इसको अंदर डालूँगा। अब दोस्तों हम दूसरी तरफ जाते हैं और इस गद्दी को दोस्तों उठा के चेक करते हैं कि वो आया नहीं आया। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों आ चुका है, ये आ चुका है दोस्तों, इसको हम बाहर खींच लेंगे। दोस्तों लोग हो गया, मतलब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने इसको बाहर खींच लिया है। अब दोस्तों हम बैटरी और इस एक्स्ट्रा तार को दोस्तों वहाँ पे इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ मैंने दोनों तारों को, जो एडिशनल तार थे उनको यहाँ पे रोल बना के इस तरह रख दिया है। और दोस्तों ये मेरी बैटरी है। अब दोस्तों मैं इन तारों को इसके माध्यम से दोस्तों ढक देता हूँ। दोस्तों सारे तार छुप चुके हैं, दोस्तों बैटरी को हम साइड में रख देंगे। हमने सारे के सारे तारों को इसमें छुपा दिया है और अब हमारी बैटरी से कनेक्शन बिल्कुल सेफ हो गए हैं। जब भी दोस्तों हम कहीं जाएंगे इसको दोस्तों किसी न किसी चीज़ से दबा देंगे, ताकि बैटरी जंप ना करे। अब दोस्तों यहाँ के काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जितने भी हमने फ्लैप खोले थे वो सारे के सारे फ्लैप हम बंद कर देंगे। जैसे दोस्तों ये सब तार जहाँ जहाँ पहुँचने थे वहाँ वहाँ पहुँच चुके हैं, ये जैसे तार निकलना था निकल चुका है। अब दोस्तों हम जो फ्लैप्स हमने निकाले थे ये सब चीज़ें निकाली थी, ये दोस्तों इसके कवर थे, ये सब कवर दोस्तों एज इट इज़ लगा देंगे और दोस्तों इस प्रकार हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं सब चीज़ों को लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख ही सकते हैं उस बैटरी का प्लस का तार मैंने दोस्तों इस बैटरी के प्लस के साथ जोड़ दिया है। अब दोस्तों उस बैटरी का माइनस का तार इस बैटरी के माइनस के साथ मैं अब जोड़ने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस, मतलब माइनस के साथ। दोस्तों नट बोल्ट को हमने टाइट करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों हम दोनों बैटरियों के प्लस को और दोनों बैटरियों के माइनस को दोनों बैटरियों के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और दोस्तों इन वायरों के बीच में मैंने किसी भी तरह का जोड़ नहीं दिया है। मार्किंग के लिए दोस्तों मैंने माइनस के तार पे दो टेप लगा दी थी, ताकि मुझे पता लग जाए। इस प्रकार दोस्तों हमारी एंड टू एंड बैटरी कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले ही देखा था, मैंने सेंटर वाले पॉइंट पर लाइन के आगे और पीछे वाली सीट के बीच में दोस्तों ये जो होल्डर होता है इसका दोस्तों मैंने सेंटर वाला हिस्सा तो पहले ही निकाल लिया था। अब दोस्तों चूँकि मुझे एक तार ऊपर की तरफ निकालना था, इसलिए दोस्तों मैंने इसको भी दोस्तों इस तरह करके निकाल लिया और दोस्तों एक इस तार को इस तरह निकाल लिया। तो एक तार हमने यहाँ पर निकाल लिया है बल्ब वगैरह के कनेक्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने कोई भी कट नहीं मारा है, हमने दोस्तों जॉइंट तार को यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंटली दोस्तों यहाँ से तार लेकर जाके आगे दोस्तों हम
इनको इकट्ठा जोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा जोड़ मारने का मतलब है कहीं ना कहीं दोस्तों गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों हम इस पूरे के पूरे तार को यहाँ से निकालते ले गए हैं। अब दोस्तों हम इसको आखिर तक साथ लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं किसी भी तरह कोई भी जॉइंट नहीं है, और आगे दोस्तों निकाल कर हम आपको दिखाते हैं किस तरह हम काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये तार हमने ऊपर से निकालते हुए नीचे की तरफ दोस्तों ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से दोस्तों इकट्ठे जॉइंट करते हुए दोस्तों यहाँ तक ले आए थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम एक कट मार देंगे ताकि दोस्तों बैटरी से डायरेक्ट हमारा एक कनेक्शन यहाँ निकल जाए, और दोस्तों इस कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन बल्ब के लिए जो हमने ये निकाला है वो दोस्तों यहीं पे जॉइंट आ जाए और ओपन आ जाए, ताकि हम उसको बाहर इकट्ठा जोड़ सकें, ताकि दोस्तों शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो दोस्तों दूर हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम कट मारेंगे। अब हमने इस तार के बीच में कट मार लिया है, जिससे अब हमारे दोनों तार अलग हो गए हैं। अब एक तार डायरेक्टली बाहर आ रहा है, जिससे हम अपना कार सिगरेट लाइटर कनेक्ट करेंगे, और दूसरे तार से हम दोस्तों अपने बल्ब को कनेक्शन देंगे, जिसके लिए दोस्तों हमने तार यहाँ निकाला था। दोस्तों ये जो ऊपर से तार आ रहा था यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आके दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे बंडल के साथ इस तार को आगे की तरफ निकाल दिया है। अब दोस्तों इसका जो ये मेन सेंटर वाला ढक्कन है, अब दोस्तों हम इस ढक्कन को लगाएंगे, लगाना शुरू कर दिया है इस तरह दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको प्रेस करके दबा देंगे ताकि ये लग जाए। दोस्तों खांचों को आपस में बिठा के हम इसको लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वाला फ्लैप भी लगा दिया है, ये वाला फ्लैप भी लगा दिया है, और नीचे से लेकर ऊपर तक दोस्तों ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं, पीछे वाला एरिया दोस्तों हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे और आगे की फिटिंग करेंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक पूरी तरह फिटिंग कर दी है। अब केवल दोस्तों अगला वाला हिस्सा रह गया, उसके बाद दोस्तों हम सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे बिल्कुल अगले वाले हिस्से में। अब दोस्तों ये वाला फ्लैप भी हम लगा देते हैं। ये फ्लैप दोस्तों यहाँ पर पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। फ्लैप बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों मुझे तो पता नहीं है, मैं तो ऐसे अंदाजे से बोल रहा हूँ। दोस्तों इसको भी हम लगा देंगे, और इस प्रकार दोस्तों हमारा फाइनली वायरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों सबसे मुख्य बात ये दोस्तों दोनों बैटरी को जो ये तार जोड़ रहा है उस बैटरी के प्लस से दूसरे बैटरी के प्लस को दोस्तों जोड़ने वाले तार पर मैंने ये स्विच लगा दिया है। दोस्तों इस स्विच की खासियत ये है कि दोस्तों एक ही तार पर ये लगाया जाता है, एक तार को दो हिस्सों में काट कर दोस्तों एक हिस्से को दोस्तों यहाँ जोड़ दिया जाता है, दूसरे हिस्से को यहाँ जोड़ दिया जाता है। घुमा के दिखा देता हूँ, देखिए एक हिस्सा ये रहा जो मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा दोस्तों ये रहा जो मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है। इसकी खासियत दोस्तों ये है कि दोस्तों इस स्विच को प्लस के तार पर लगाया जाता है, ये दोस्तों वो प्लस का तार है जिसके माध्यम से मैंने दोनों बैटरी को जोड़ा है। अब दोस्तों इस तार को बीच में से काट कर मैंने ये स्विच इसलिए लगाया है, अगर मैं इस स्विच को दोस्तों पीछे की तरफ खींचता हूँ तो दोस्तों मेरी जो दोनों बैटरी की पावर है वो कार में जा रही है, मतलब अगर मेरी कार के इक्विपमेंट चल रहे हैं तो दोस्तों दोनों बैटरी की पावर सारे के सारे इक्विपमेंट में जा रही है। लेकिन दोस्तों जब मैं अपनी कार को एक तरफ खड़ा करूँगा सोने के लिए, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो मेरी मुख्य बैटरी है जो कि कार के अंदर लगी होती है उसकी सप्लाई मेरे एडिशनल इक्विपमेंट को ना आए, क्योंकि अगर दोस्तों वो वाली बैटरी वीक हो गई तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए दोस्तों इस स्विच को दोस्तों हमें अंदर की तरफ प्रेस करके रख देना है, क्योंकि अगर हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करके रखते हैं तो दोनों बैटरियों का आपस में कनेक्शन कट हो जाता है, सप्लाई कट हो जाती है, और दोस्तों अगर हम पीछे की तरफ खींच कर रखते हैं तो दोनों बैटरियों की पावर सप्लाई हो जाती है। तो पीछे की तरफ करके ये ऑन होता है और आगे की तरफ करके ये ऑफ होता है। इसके थ्रू दोस्तों जब हम अपने इक्विपमेंट यूज़ करेंगे एडिशनल बैटरी के थ्रू, तो दोस्तों हम इसको ऑफ़ करके रखेंगे। ऑफ़ करने से क्या होगा, केवल हमारी पीछे वाली बैटरी का ही पावर कंज्यूम होगी, जो हमारी कार की मेन बैटरी है उसकी पावर कंज्यूम नहीं होगी। और दोस्तों जब हमें इसको चार्ज करना है पीछे वाली बैटरी को, तब दोस्तों हमें इसको पीछे की तरफ खींच देना है, जिससे हमारी आगे वाली बैटरी का अल्टरनेटर से जो
बैटरी चार्ज होने के लिए करंट सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो पीछे वाली बैटरी में पहुंच जाए। तो दोस्तों इस स्विच का ये प्रयोग है। अब दोस्तों सारे के सारे तारों को हमने एक साथ बांध दिया है और अब हम इसका फाइनल फ्लैप लगाकर इसको ढक देंगे और अब हमारे कनेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों फाइनल फिटिंग आप देख सकते हैं, केवल बाहर हमारा ये स्विच दिख रहा है, ये दोस्तों आप केवल देख सकते हैं हमारी इस पूरी फिटिंग में पूरे के पूरे तार अंदर है, केवल दोस्तों ये बाहर रह गया है। दोस्तों मेरी जो एडिशनल बैटरी है उससे कनेक्शन लेके दोस्तों मैंने ये प्लस का तार उस बैटरी के प्लस में लगा दिया और दोस्तों ये माइनस का तार उस बैटरी के माइनस में लगा दिया। अब दोस्तों मैं इन प्लस माइनस के तार को इस सिगरेट लाइटर के प्लस माइनस के तार में लगा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सेंटर वाला जिसमें तार लगेगा वो प्लस का तार होता है और दोस्तों साइड वाला जो तार होता है माइनस का होता है। इसलिए दोस्तों अब हम प्लस माइनस को प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे इसको चालू करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अपने इस तार से जो कि बैटरी से आ रहा है उसके साथ दोस्तों एक एडिशनल तार को जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें एक एडिशनली लाइट को कनेक्शन देना है जो कि 12 वोल्ट की लाइट है और वो हमारी एडिशनल बैटरी के साथ चलेगी। इसके लिए दोस्तों हमने एक एडिशनल तार को अपने बैटरी से आए हुए तार के साथ जोड़ लिया है ताकि उसका कनेक्शन भी हमारी एडिशनल बैटरी के साथ हो जाए। अब दोस्तों हम उस बैटरी से आए हुए प्लस तार को अपने इस स्टैनली के कार सिग्नल लाइटर के साथ जोड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों इस तरह जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसलिए हम स्टैनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ आए हुए इस अगले भाग को दोस्तों काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों हम सिंपली उसके जो कॉपर के वायर होते हैं जैसे हम सिंपली देसी तरीके से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने इसको प्लायर से काट लिया। काटने के बाद दोस्तों अब इसके मैं कॉपर के तार को इस तरह छील रहा हूँ। ये दोस्तों कॉपर के तार हमारे बाहर निकल आए हैं। अब दोस्तों इसमें हम अपनी बैटरी के प्लस तार को जोड़ देंगे और फिर इसको हम स्टैनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले अब दोस्तों हम स्टैनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ इस तार के नोब को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसके साथ दोस्तों हम अपनी बैटरी से आए हुए प्लस के तार को, वह जो हमने एडिशनल तार लगाया है, उन दोनों को दोस्तों इसके प्लस के पॉइंट के साथ जोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने स्टैनली के कार सिग्नल लाइटर के साथ बैटरी का प्लस का वायर इस तरह जोड़ दिया है। अब दोस्तों मैं बैटरी के माइनस तार को स्टैनली के कार सिग्नल लाइटर के माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं ये माइनस पॉइंट है जो साइड में होता है। अब इसमें दोस्तों मैं बैटरी के माइनस तार को जोड़ रहा हूँ। दोस्तों हमने इसको अच्छे से फिट कर लिया है और दोस्तों अब हम इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इस तार में पहले आइसोलेशन टेप लगा लेंगे। प्लस और माइनस दोनों जगह पर मैंने आइसोलेशन टेप लगा दी है। अब दोस्तों हम इस सिगरेट लाइटर पॉइंट से जो कि सॉकेट है इसके माध्यम से दोस्तों अब हम अपने इस फैन को चलाएंगे जो कि दोस्तों कार फैन है और 12 वोल्ट डीसी का दोस्तों ये फैन है और देखते हैं दोस्तों इससे चलता है नहीं चलता है। इसके लिए दोस्तों अब हम इसके जो ये पॉइंट है जिससे इसको फैन को पावर दी जाएगी इसको दोस्तों हम इसके साथ लगा देते हैं। ये दोस्तों मैंने लगा दिया, ये दोस्तों लग गया, लगते आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ैन चलना शुरू हो गया। इसकी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको दोस्तों इसको बंद करके दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से फ़ैन चल रहा है। ये दोस्तों बंद कर देता हूँ, ये दोस्तों बंद हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आपको हमेशा इस सिगरेट पॉइंट को पूरा का पूरा आइसोलेशन टेप से कवर कर देना है ताकि स्पार्क का बिल्कुल खतरा ना रहे।
आपको दोस्तों सोचना नहीं है कि टेप लग जाएगी। दोस्तों 10 रुपये की टेप आती है, इससे मैंने अपनी पूरी पूरी इस वीडियो को बना दिया जिसमें मैंने पूरी आपको फिटिंग करनी समझाई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस सीक्रेट लेटर पॉइंट को पूरी तरीके से टेप से कवर कर दिया है। एडिशनल बैटरी से एडिशनल कनेक्शन कार सीक्रेट लेटर पॉइंट से हमने कर दिए हैं। अब दोस्तों इससे हम दोबारा अपना कार का फैन चला कर देखेंगे और देखते हैं अब चलता है नहीं चलता है। हम अपने इस फैन को ऑन करेंगे और देखेंगे हमारा फैन एडिशनल बैटरी से चलता है या नहीं चलता। वाओ दोस्तों, हमारा फैन चल चुका है। ये दोस्तों हमने नंबर एक स्पीड में चलाया, अब दोस्तों हम इसको मैक्सिमम स्पीड में चलाते हैं जो कि दोस्तों 2 नंबर की स्पीड है। वाओ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ये फैन चल रहा है, बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमारी जो बैटरी थी जो हमने एडिशनली लगाई थी उसकी जो फिटिंग थी वो परफेक्ट रही। वो दोस्तों पूरी फिटिंग देखने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अब बात आती है कि हमारी वो जो बैटरी है जो हमने एडिशनल बैटरी लगाई थी वो चार्ज कैसे होगी। तो दोस्तों चार्ज करने के लिए ही हमने उसको अपनी मेन बैटरी के प्लस से और मेन बैटरी के माइनस से जोड़ा है। दोनों बैटरी को प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ने का फ़ायदा ये हुआ, जब कार का चार्जर जो बैटरी को चार्ज करता है वो हमारी कार की मेन बैटरी को चार्ज करेगा तो साथ ही साथ दोस्तों हमारी पीछे वाली बैटरी को भी चार्ज कर देगा, जिसके माध्यम से हम अपनी बैटरी को बिना ड्रेन हुए उसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी कार में एडिशनल बैटरी रख के उसका कनेक्शन किस प्रकार करना है, किस प्रकार उसको चार्ज करना है, सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं और पूरा पूरा कनेक्शन में समझा दिया है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। अगर दोस्तों इसी काम को आप बाहर किसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से करवाएंगे तो दोस्तों वो मिनिमम 1000 रुपये लेगा और जिसमें एडिशनल खर्चा जो होगा वायरिंग वगैरह का वो भी आपका ही होगा। ये दोस्तों मैं आपको मिनिमम चार्ज बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आप इस काम को खुद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है। बाकी डिटेल में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ये दोस्तों आप केवल देख सकते हैं हमारी इस पूरी फिटिंग में पूरे के पूरे तार अंदर है, केवल दोस्तों यही बाहर रह गया है। साथ ही साथ दोस्तों हमने जो एक एडिशनल पॉइंट बनाया था ये वाला, वो दोस्तों हमने इसके अंदर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है, पूरा खाली है, केवल ये दिख रहा है, कोई वायरिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई वायरिंग नहीं है। अब दोस्तों हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो दोस्तों इस ढक्कन के अंदर ये हमारा जो एडिशनल पॉइंट है जिसके माध्यम से हम अपना पंखा वगैरह चलाएंगे वो दोस्तों यहाँ पे हमने अंदर कर दिया है और इसको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया है आइसोलेशन टिप के माध्यम से। और दोस्तों जो हमारा एक एडिशनल तार हमने निकाला था बल्ब के लिए वो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने उसको यहाँ निकाला है। जब दोस्तों हम इसे बल्ब कनेक्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम इसको भी छुपा देंगे इसके अंदर। वो दोस्तों किस तरह छुपाएंगे वो चीज़ें मैं आपको जब इसका बल्ब कनेक्ट करूँगा वो तब आपको दिखाऊँगा। बाकी इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल पे आपको कार एडिशनल वर्क करके एक फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें जाके आप दोस्तों कार से रिलेटेड जो भी एडिशनल फिटिंग्स होती हैं सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।